नमस्कार, मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं स्टिकी टीवी। भारत ने पिछले महीने यानी 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा था। जी हां, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. इस सफलता के बाद ISRO अब सूर्य पर एक मिशन भेजने जा रहा है जिसका नाम है आदित्य L1। भारत इस मिशन के जरिए एक ऑर्बिटर भेजेगा जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर स्थापित होगा और यहां से भारत का आदित्य L1 मिशन सूर्य को स्टडी करेगा। सूर्य के इतने नजदीक और इस प्रकार का मिशन भेजने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश होगा। अभी तक अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस प्रकार के मिशन भेजे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रूस और चीन ने भी अब तक सूर्य पर इस प्रकार का कोई भी मिशन नहीं भेजा है। इस कारण भारत पूरे एशिया महाद्वीप में पहला ऐसा देश होगा जिसने सूर्य पर अपना मिशन भेजा हो। ISRO के इस मिशन की लागत लगभग 400 करोड़ रुपए है।